इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खेत की सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की खेत में ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली कंपनी कार्यालय के सामने मृत किसान के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन कभी भी खेतों में लाइन का मेंटेनेंस नहीं करते और हर साल किसी न किसी किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 8 गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर बिना मुआवजा राशि दिए ही खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। इससे नाराज होकर ग्रामीण अब भू अर्जन निरस्त कराने की मांग पर अड़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीनों पर ठेकेदार और जल संसाधन विभाग जबरन खुदाई करने लगे हैं। इससे इन गाँव वासियों के सामने निवास और जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने बाजरे की खरीद शुरू करने और खरीद प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए SDM चौमू को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन के संरक्षण प्रोफेसर CB यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1950 रुपये घोषित किया था, जिसका सरकार ने व्यापक स्तर पर प्रचार व प्रसार किया था। बाजरे की अधिकांश फसल निकलकर मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन अभी तक चौमू सहित राजस्थान में कहीं भी बाजरे की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के भोजापुर में सूख रही धान की फसल बचाने को लेकर किसानों ने सकलडीहा चंदौली मार्ग को जाम कर दिया। करीब एक हफ्ते पहले भी किसानों ने यहां फसल को लेकर जाम लगाया था, जो कि बड़वल माइनर में पानी मिलने के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी किसानों को पानी नहीं मिला। गन्ना किसानों को समस्या दूर करवाने गन्ना कैलेंडर व इंडेट से लेकर पर्ची जारी होने तक की जानकारी अब घर बैठे मिलेगी। इसके लिए गन्ना विभाग किसानों का समस्त ब्यौरा ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने एक वेबसाइट जारी की है। इस पर सभी गन्ना किसानों की गन्ना पर्ची, सर्वे, सट्टा, इंडेंट व भुगतान आदि की जानकारी अपलोड होगी। इससे किसान अपने घर बैठे सब कुछ पता कर सकेंगे। विभाग की ओर से किसानों की समस्या को दूर करने के लिए जारी की गई वेबसाइट पर लगभग 40% किसानों का ब्यौरा अपलोड हो चुका है, जबकि बाकी अगले 10 दिन में अपलोड हो जाएगा। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।